वीडियो मार रहे हैं एप्री, इसको धक्का मारना। तो पहले तो मुझे ये लगता है कि जो बीइंग स्ट्रॉन्ग का जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही सेफ और स्टडी है, जो बहुत ज़रूरी होता है जब कोई एक्सरसाइज करे, क्योंकि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो सबसे ज़रूरी होता है एक्सरसाइजिंग के दौरान। तो जब ये लॉन्च हो रहा था और हम इसके मैं, सलमान भाई, अरबाज भाई, आयुष, हम इसके गिनी पिक्स थे, मतलब पहले ये हम पे इस्तेमाल हुआ था और हम सबको ये इक्विपमेंट बहुत पसंद आया। और जो राजेश ने जो मेहनत की है इस इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए सलमान भाई के साथ, सालों से ये इसके पीछे एक साइंस था और आज आपके सामने लॉन्च हो रहा है तो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सलमान भाई इस फील्ड में एक आइकॉन है और उनसे ये एक्सरसाइज का इक्विपमेंट आना सब उनके फैंस के लिए, हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर है जो ही प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, और वो हम सब जानते हैं कि वो एक वो खुद पहले अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने फैंस को ये इक्विपमेंट तब तक ये उनके फैन तक पहुँचे। नहीं, वो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा एक्सरसाइज सही होता है या गलत होता है, सब सबकी बॉडी अलग होती है, सब हर एक्सरसाइज किसी को अलग सूट होती है, लेकिन हाँ एक आराम से करो, जल्दबाजी में मत करो। ये जो टारगेट आज के बच्चे रखते हैं क्या 3 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर, दिवाली तक, क्रिसमस तक, वो मत रखो। आज मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं उनकी उम्र का हूँ तो मैं फिट रहूँ, तो ये जो 1 साल का एजेंडर या एक कैलेंडर एजेंडर वो मत रखो, आराम से करो,
लंबी रेस है और लंबी रेस में फिट होना चाहिए। मैं तो दबंग का और सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो एक ऐसी फिल्म है जो खुद उसने एक अपना एक नीच बना लिया है, एक ब्रांड है दबंग का, चुलबुल पांडे का। तो हम सब उस लॉन्ग अवेटेड फिल्म आ रही है 20 दिसंबर को, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। और दबंग एक ऐसा जॉनर है कि देयर आर नो सरप्राइजेस, आप जानते हो क्या, एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म होने वाली है और इंशाल्लाह जो ऑडियंस वेट कर रही है उसके लिए सबको मज़ा आएगा। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। फिटनेस यार, एक्सरसाइजिंग में कोई ईगो नहीं होना चाहिए, जितना होता है उतना उठाओ और आराम से करो। मैं बिलीव नहीं करता कि अपने आप को इतना पुश करो क्या इंजरीज हो जाए, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि मैं कैसे करता हूँ। मैं आपको एक बेसिक जो मेरा एक वर्कआउट है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या मैं बहुत ही लाइट करता हूँ लेकिन हाई रेप्स करता हूँ। तो इसको निकाल दो, ये हम बहुत निकलते डम्बल्स अंदर है मैं। ओके, और पीछे ले लो, पीछे ज़्यादा थोड़ा पीछे। अरे ये क्या है रे, किसका ये? ये देख टूट जाएगा। बस तो बेसिकली जो है मैं शुरू करता हूँ, वो करता हूँ बहुत बाइक से और अपने आप को फ्री करता हूँ, और इसी में जब तक मैं दिन में हूँ तब तक मेरे हाथ से वेट छूटता नहीं। शुरू करता हूँ 2 या 3 किलो से और फिर मैं घर छूट जाता हूँ 5 या 10 किलो, और मैं 50 मिनट या 1 घंटे में जितना भी बेसिक वर्कआउट है, जैसे कि आपने पहले strong cage, we have Suhail Khan in the house with us. I know there are lots of people outside. Let me hear a big cheer for Mr. Suhail Khan. We've been trying for 15 years for 40 lakhs, sir, but we can't make it. Doesn't matter. Like I said, I've got a bird's eye view on it. My mantra is that when I'm in the gym, I'm going to eat and I'm not going to wait. Challenge, test your strength, test your core. Let's see you out there. आजकल बकर हो अभी तो आप ये
है अपना नेस्को में हो रहा है, नेस्को गोरेगांव में है ना, तो हाईवे के जस्ट बाजू में टच में है ना, वही गेट नंबर गेट नंबर एक पे आ जाइए और आ जाइए अंदर, फिर वो नंबर जो कॉल कीजिए उसका कोई बंदा आपको स्टिकर भेज रहा है गेट वो लगा फिर आ जाए। सब लोग बीच में सोल्व है, बस 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 इधर ही इधर ही इधर सर सर कुछ नहीं है, बाजू कुछ नहीं है, आप पीछे आओ भाई, वीडियो को मिलेगा, अरे पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ भाई, सामने सेंटर में मोबाइल ओके थैंक यू।